सर इकडे मॅडम बरोबर आहे करायला मॅडम पुढे थँक्यू सर थैंक यू वेरी मच देखिए सबसे बड़ी बात जो है मैं गणपति बाबा का भक्त हूँ गणेश जी का बस उनका ही कृपा से और एक महीना का अंदर इस इज माई फिफ्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिफ्थ फिल्म फेयर बॉम्बे फिल्म फेयर मिडल ईस्ट रेडियो मिर्ची एंड स्टार परिवार देन यस्टरडे आई हैव गॉट अ वेरी बिग अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम लंडन हाइस्ट हिट सॉन्ग जिमी जिमी आजा आजा 45 कंट्रीज एंड आफ्टर दिस आई एम गेटिंग दिस अवार्ड आई एम NBC award and I think this afternoon my very favorite paper and I'm delighted bahut khushi hua jo aap log aaj bulaya humko lifetime achievement 48 years kaam kar raha hu Dilip Kumar Devanand se Badrinath ki dulhaniya Varun Dhawan aur Ranveer Singh to ye mera journey hai aur Siddharth Malhotra raat baki baat baki film और इत्तेफाक बस यही मेरा आप लोग को प्यार है जो प्यार से जो आज भी बापी लहरी को आपका आप लोग का जो बापी लहरी का गाना अभी भी पसंद करते हैं मेरा आने वाला ये साल में बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर आ रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ NBC अवार्ड के लिए बैक टू बैक हम देख रहे हैं आपके गाने को लोग ऑडियंस जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं दिलीप कुमार से लेके वरुण धवन है रणवीर सिंह तक के गानों को हम देखता है कि इतनी जो लंबी जर्नी इतनी एक सिंगर की हो नहीं पाती नए नए सिंगर कंटिन्यू आते रहते हैं लेकिन इनके बाद भी आपके गाने को लोग कंटिन्यू पसंद करते हैं मैं आपने अच्छा क्वेश्चन किया माई फैंस इज माई लाइक दे आर माई गॉड भगवान तो है ऑल Above all, my God, my family, my father, mother, my wife, and everybody, my son, daughter. But fans जो है fans को अभी भी जो गाना मेरा ये साल में काफ़ी नए नए पिक्चर में गाना आ रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊँगा बहुत बड़े बड़े गाना आ रहे हैं तो बस मैं चाहता हूँ ये गाना बापीदा का पसंद करे और बस हम लोग को बापीदा के लिए आशीर्वाद दे दुआएँ दें जैसे एक मेरा ही गाना है दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे बापीदा को प्यार दे सर एक जो कंट्रोवर्सी हुई है सोना महापात्रा को आपने भी सुना होगा कि उनको सूफी गाने ना गाने की धमकी मिली कि आप इस तरह के गाने मत गाइए आपने भी सुना होगा क्या ठीक होता है क्योंकि एक सिंगर तो कहीं भी जाता है कुछ मैं एक ही चीज आज ये शाम को मैं ये बात होता है लेकिन आज जो शाम है ये NBC का नाम है और मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने के लिए आया हूँ आई थिंक आज आप लोग के सामने यही खुश मिजाज से चलना चाहिए नो कॉन्ट्रोवर्सी थैंक यू वेरी मच आपके फैंस के लिए जो लेटेस्ट गाना आने वाला है या मैं अभी लेटेस्ट गाना आ रहा है दो पल प्यार के इस वंडरफुल सॉन्ग उसमें सब सिंगर गाए हैं लेकिन मेरा जो अजीज़ बच्चा है मेरा अरमान मल्लिक उससे एक गाना गवाया बहुत खूबसूरत गायक हूँ अरमान मल्लिक ही वॉज इन सारेगामा पा आई वॉज जज दैट टाइम लिटिल चैम्प्स उसका एक गाना आ रहा है बहुत अच्छा और पूरा पिक्चर का म्यूजिक बहुत अच्छा है दो पल प्यार के एंड अदर फिल्म इज कमिंग डिस्को डांसिंग स्टार अगेन बी सुभाष एंड बप्पी लहरी टुगेदर आई थिंक इट विल बी द जुलाई अगस्त में रिलीज हो रहा है अगेन सुपर डुपर हिट थैंक यू सो मच थैंक यू मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको लिखने के प्रति प्रेरित किसने अच्छा वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अचीव ऑल इंटरनेशनल एंड नेशनल अचीवमेंट्स ही इज द मैन हु इज नोन बाय हिज म्यूजिक एंड ही इज द वन हु ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड इनोवेशंस इन द इंडस्ट्री अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बप्पी लहरी
somebody please be around the stage and help them carry. Hamara ek dialogue aur mera reh gaya tha jo maine bahut shiddat se likha tha use. Hamara award bahut wazan rakhta hai. Agar aap utha nahi sakte ho to kisi ko saath mein leke aaiye. I mean it, it is 7.5 kilos of weight. Because I want that weight to be there in your corridor, and you should all, that should always remind you that, okay, this is the heaviest weight that I have lifted so far. Bappida, ko mic de dijiyega please. Haan liya. Bappida, mujhe aapse ek sawal puchna tha. Aapne itna kuch achieve kar liya, ab aur kya achieve karna chahte hain? Dekhiye, main भाषण सुन रहा हूँ अभी बहुत ही बड़ा फिलोसोफर हूँ मैं एक बहुत गॉड बिलीव करता हूँ गॉड इज माय एवरीथिंग चिंतित विनायक को लेकर मैं घूमता हूँ और जो मुनि साहब ने बोला हर धर्म को मैं सबको मानता हूँ चाहे मेरा हाथ में वेटिकन सिटी का क्रॉस भी है गोल्डन टेंपल का कड़ा है और गणपति बाबा है और उसके निचाला भी है तो मैं एक ही चीज मानता हूँ जो जो भी शक्ति है पावर ऑफ गॉड मैं ब्राह्मण हूँ मैं लाहिरी हूँ आप लोग सब जानते हैं लाहिरी महाशय बिग भारत भारत की जो साधक है उसमें नंबर वन और टू है जो श्यामाचरण लाहिरी साहब है वो मेरा फैमिली में है तो मैं सबको मानता हूँ और मैं जो आपने पूछा जो और क्या देखिए अचीवमेंट का जो आज जब दिलीप कुमार देवानंद से वरुण धवन रणवीर सिंह तक मैं काम कर रहा हूँ यही मेरा अचीवमेंट है और मैं चाहता हूँ पब्लिक का जो प्यार है बरकरार रहे और मैं आगे भी जो ये साल मेरे बहुत फिल्म आ रहे हैं और मैं हॉलीवुड में भी दो तीन पिक्चर किया है जिसका ऑस्कर में नॉमिनेशन हुआ और आप लोग का जो अवार्ड फंक्शन में आज आया मैं आपको मैं दिल से बोल रहा हूँ भगवान का दया से दिस इज फिफ्थ टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला विद इन अ मंथ यू विल टेक 15 मोर दादा नहीं विद इन अ मंथ बट दिस अवार्ड इज रिमार्केबल बिकॉज आप लोग इतना अच्छे तरीका से आपने जो बोला बोल रहे थे अबाउट द आफ्टरनून बॉय जो पेपर के लिए और जो इतना गुणी लोग हैं सामने जो हम लोग सब लोग बैठे हैं ऑल द सो क्या बोलूं मैं ऐसा लग रहा थे मैं बैठ के खाली बातें सुन एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड थैंक यू और आफ्टरनून बॉयज के लिए अगर मेरा कभी भी जरूरत हो तो मैं बोलूँगा चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना थैंक यू रोते हंसते बस यूं ही तुम कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कभी नहीं कहना मैं और लास्ट एक टाइम बोलूंगा आई नो काफी लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं आज मेरा जन्म जो हुआ कलकत्ता में आई एम बंगाली मैं हमेशा होल वर्ल्ड को मैं बोलते रहता हूँ मेरा सुबह शाम चलता है आज बापी है जो भी कुछ है ये महाराष्ट्र का धरती का आशीर्वाद है महाराष्ट्र का धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आज जो भी कुछ हूँ सिद्धि विनायक जय सिद्धि विनायक जय गणेश थैंक्स थैंक यू दादा बहुत अच्छा लगा और हम आपको कभी अलविदा नहीं कहेंगे अभी आज से तो आप हमारे परिवार के हो गए हैं Now I can grant you a little rest, but I want to ask you one question before you go. Mike, please.
I just want to ask, like, because there was lots of uproar in the recent past. भारती जी सामने यहाँ पे, भारती जी मैम सेंट्रल रुकी हो। कांग्रेचुलेशन, ये देखिए गुलदस्ते लाइए, जल्दी लाइए, और भी बुलाओ भाई, ऐसे डराइए मत। बोले भारती जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड मिल रहा है आपको। तो आप मानती हैं कि जब से शादी हुई आपकी दुनिया बदल चुकी है? बदल चुकी है, अवार्ड्स बहुत सारे मिल रहे, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा पति के लिए खाना ही बनाती रहूं नहीं मतलब मैं अपने लिए भी, और इतना मज़ा आ रहा है। हम शादी के बाद मोस्टली घूम ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी कमिंग सून है, आफ्टर IPL आएंगे, और खुद के पति का प्रोडक्शन हाउस है तो उसकी और उसकी इतनी मजाल कि किसी और को लेके कुछ बनाए, इसीलिए हमको लेके ही सब जगह पिच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो भी गई हैं। सो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, मतलब बेबी वाली नहीं, अच्छा, काम वाली। तो लगा बेबी वाली क्यों है, वो पेट मोटा ही है ऐसे ही। जल्दी तरक्की करेंगे फिर तो। हाँ देखिए इनको मामा बनने का कितना शौक है। पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है, वो तो आपस में हमने बात की, पता नहीं कैसे फैल जाती है। कृष्णा बड़ा बहुत वाकई कृष्णा है वो, जैसे कृष्ण भगवान चुलबुले थे वो भी बहुत, वो कोई डबल चुलबुले हैं बिल्कुल जी। H3 एंटरटेनमेंट यानी कि जो मेरे हस्बैंड की प्रोडक्शन हाउस है उसको, उसमें ही हम, मैं और कृष्णा शो कर रहे हैं, कर रहे इन द सेंस कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी नहीं बता सकती, सॉरी। बहुत सारी जगह पिच किया है और बहुत सारे अच्छे वापसी में वो भी मिले हैं कि हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो हम बहुत सोच विचार में हैं कि किसके साथ करें। सो बहुत जल्दी मैं और कृष्णा यानी कृष्ण और राधा फिर से वापस आएंगे कॉमेडी की दुनिया में, और कृष्णा के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अरे भारती ने क्यों शो शुरू कर दिया, वो भी कर देता है, मैं भी, तो अगर भूल गए तो मुझे उसकी आंखों से पता चलता है कि भूल गया, और उसको मेरे मुँह से पता चलता है कि मैं भूल गई, तो हम लोग संभाल लेते हैं, और बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कृष्णा को लेके भी, लेकिन मैं प्यार हर्ष से करती हूँ मेरे पति। हाँ जी, किनको? सभी कॉमेडियन। अच्छा अच्छा, कपिल का काफी बुरा वक्त चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लेवल पे उनसे बात होती है? जो भी पर्सनल लेवल पे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, जब बहुत सारा आ गया था पेपर पे कि ऐसा हो गया, ये वो हो गया, तब बात हुई थी, तब उन्होंने बोला था बेटा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा मैं थोड़े दिन में फ़ोन करता हूँ रिलैक्स होकर। तो मुझे भी लगता है कि हमको ना अभी कपिल शर्मा मतलब छोड़ देना चाहिए, उनको रिलैक्स कर देना चाहिए, और ठीक है माना कि उनको, उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आप कभी देख रहे थे कि वो कितने परेशान थे, पहले कितने प्यार से बात करते थे, सडनली वो हाइपर हो गए, तो वो बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो हम स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, हम लाइव शोज़ करते हैं, ऑडियंस फैमिलीज बैठी होती है, बिना स्क्रिप्ट के होते हैं, जब लाइव इवेंट करते हैं तो एडिटर हमारे दिमाग में बैठा होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, फैमिलीज बैठी हैं। तो कभी भी कोई एक्टर TV आर्टिस्ट अगर फ़ोन पे इतना कुछ बोल रहा है तो मतलब कि वो सही नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो परेशान है। सो हमको उनको छोड़ देना चाहिए, वो वापस आएंगे, और माफ़ कर देना चाहिए अपना भाई अपना बच्चा समझ के, क्योंकि वो बंदे ने 4-5 साल अकेले ने शो किया है और हमको इतना हंसाया है, जब परेशान होते थे कपिल शर्मा शो देखते थे बहुत हंसते थे। सो बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, कपिल भाई फिर से आएंगे, फिर से खड़े होंगे, और मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई और टिक पाएगा, चाहे वो मैं भी रहूं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि वापस आएँ और मैं उनके साथ शो करूं। और मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे यूथ फेस्टिवल करवाने आते थे, और आज जब गुरु परेशान है तो मुझे बहुत, मैं खुद बहुत एक दो दिन बहुत चुप हो गई थी, अर्ष बोलता था क्या हुआ, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, तो फ़ोन कर किया, तो बोलते बेटा मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, तो टाइम दे दीजिए उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो हाउ डू यू फील अबाउट? थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद बड़ा फ्लर्ट करती हूँ मेरे शोज में क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हीरो आते हैं और फिर मन नहीं करता कि नाच जड़ो हो, इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली. लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन हैंडसम लोग देखो तो हो ही जाता है, क्यों भी है. और बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर गिर भी रहा है तो ऑडियंस पूरे भारत में हर तरह की ऑडियंस है. जहाँ तक मैं कहूँगी, चाहे ये गलत हो, कुछ घरेलू कॉमेडी देखना चाहते हैं, कुछ नॉटी कॉमेडी भी देखना चाहते हैं. तो ये कॉमेडी के शोज जो चैनल्स पे चल रहे हैं फ्रूट प्लेटर है. कोई थिएटर नहीं है जो पैसे खर्च के हम जाए यार पूरा देख के उठना ही पड़ेगा. आपके हाथ में रिमोट है, आप चेंज करके सीरियल देख सकते हैं. सो बिल्कुल फ्रूट प्लेटर है. और मैं खुद, क्योंकि लोग नचबड़ी किया था तो सवाल पूछा था किसी ने कि आप शाहरुख आते हैं, सलमान आते हैं, आप अपने लेने लग जाते हो तो आपको कैसा लगता है. हर्ष को पूछा था मेरे हस्बैंड को. नहीं नहीं नहीं, तो हर्ष ने, आप पॉलिटिशियंस की तरह बात कर रही हैं. चैनल तो मैं चेंज कर ही लेती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है. बट मैं ये पूछ रही थी कि वो जो चैनल चेंज करने की नौबत आ रही है वो क्यों आ रही है. बट आपने बहुत जवाब बिल्कुल, क्योंकि हम जब लाइव शोज करते तो एक एक घंटा माइक नहीं छोड़ते, चाहे वो नेता हो कॉमेडियन, हम बराबर क्यों भी पूरा अपना भड़ास निकाल के करेंगे. बिल्कुल, आपको लगता है अगर घिर रहा है तो मुझे लगता है कि जब कॉमेडी खत्म हो जाती है ना कि अरे भाई अब जोक्स खत्म हो गए, तब डबल मीनिंग का लोग सहारा लेते हैं. क्यों भाई, और मत किया करो यार, मैं सिर्फ अपने ही करती हूँ, मैं बोलती गंदा नहीं हूँ. सो थैंक यू सो मच, आपने आज इसी लड़की को अवार्ड दिया. थैंक यू सो मच, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यानी कि बाप लोग बैठे हैं. मैं तो बहुत बेटी हूँ, उससे मत सवाल पूछना, वो बाप लोग बैठे हैं, कभी वो आएंगे तो आप उनसे पूछना. थैंक यू सो मच अवार्ड के लिए सर. थैंक यू, फोटो भी अच्छा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मेरी शादी हो गई इसलिए जल्दी निकलना है, क्योंकि सास फोन करती रहती है कब आएगी. सो एक बार मेरी सासू माँ के लिए तालियां बजा दो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. थैंक यू भारती. I would like to call upon Rohit Roy on the stage. Rohit is around. Besides gaining immense popularity in the television industry, Rohit has even left his mark in Bollywood as well. He is one actor who fits into all the characters and roles and who has done lots of difference to the industry. We appreciate your work, Rohit. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस ऑनर के लिए मुझे काबिल समझा. इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब मैं तो बिल्कुल ही वो मकरंद भी है यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच. मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, वाकई आपके सवाल बहुत दिखे. मेरे घर में सबसे अच्छे एक्टर एक्चुअली मेरी पत्नी है. और अगर ये जवाब मैंने नहीं दिया होता तो मसूरी से मुझे चापड़ पड़ता था, क्योंकि फिलहाल वो मसूरी में शूटिंग कर. लेकिन सच बात तो यही है कि मेरे बड़े भाई साहब एक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ एक्टर हैं. लेकिन अगर सक्षमता देखी जाए तो हमारे घर में जो सबसे सक्षम एक्टर है, अदाकारा है, वो मेरी पत्नी है. इससे ज़्यादा शॉर्ट और स्वीट आंसर किसी ने भी नहीं दिया. बहुत सारे अवार्ड जीतने का अवसर मिला है, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि वैदेही जी जो काम कर रही है, जिस चैरिटी को ये सारा जाने वाला है, जो दिव्यांग लोगों के लिए काम हो रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में ये काम चलता रहे. क्योंकि अगर आप बाहर के देशों में देखें तो कितना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया जाता. अब जाके आप देखते हैं कि दो चार व्हील चेयर नजर आते हैं, दो चार रैंप नजर आते हैं. तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए. शुक्रिया बहुत. बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट पास्ट 3-4 इयर्स वी रियलाइज वी आर इन अ पोजीशन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. सो फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स वी आर डूइंग इट. द वेरी फर्स्ट ईयर देख रहा हूँ, साहब तेरे को देख रहा हूँ.
जब कभी कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है क्योंकि आपके काम को सराहा जा रहा है। इतने साल से एक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन जब कभी अवार्ड मिलते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। और ये वाला अवार्ड बहुत खास है क्योंकि जिस मंच पे ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, न्यूज़ मेकर रिसीवर्स अवार्ड 2018, जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिस किस्म की एनर्जी और वाइटालिटी यहाँ पे मैंने देखी और जिस किस्म के शार्प क्वेश्चंस लोगों से पूछे जा रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये मंच बहुत ही ओपन सा एक मंच है और वहाँ पे एक एक्टर को सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए दिस वन स्पेशल। जी मैंने वेट लॉस तो किया है लेकिन फिलहाल मुझे एक्चुअली तकलीफ है स्लिप डिस्क की, इसलिए ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाया। वेट लॉस तो चलता रहता है, वो एक एक्टर की ज़िंदगी में एक ऑन रनिंग जद्दोजहद है। किसी रोल के लिए बदला होना पड़ता है, किसी के लिए बल्क अप करना पड़ता है। क्यों, आपको क्या पसंद है? मुझे तो जैसे आप हैं वैसे वैसे ही पसंद हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कैसे ही रहूँ। मेरे ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद को एट बेस्ट सक्षम मानता हूँ, कॉम्पिटेंट मानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी भगवान ने कई ऐसे एक्टर्स के लिए अवार्ड दिए हैं, होस्टिंग के लिए अवार्ड मिले हैं, तो खुशी होती है यार। हर अवार्ड की एक स्पेशल जगह होती है क्योंकि किसी न किसी कार्य के लिए आपको वो अवार्ड मिला होता है। और टेलीविज़न पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। ऑडियंस को अगर इतने सालों से ऑडियंस मुझे झेल रही है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैं एज अ डायरेक्टर अवार्ड जीतूंगा उस दिन मेरे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखे। ओके, तो आगे की दौर में देखा जाएगा आपको एज अ डायरेक्टर में या एज अ रोल में कुछ? उम्मीद करता हूँ कि आगे के दौर में एज अ डायरेक्टर देखा जाएगा। और मेरी हमेशा बचपन से ख्वाहिश रही है, जब से एक्टर बना हूँ, कि मैं कोई फिल्म खुद एक्ट करूँ, खुद डायरेक्ट करूँ। तो देखते हैं ये कब होता है, क्योंकि उसे कहेंगे सोहे पे सुहागा। I think it's just the question is what is commercialization? I mean, if you ask me, as you said, you did your thing with how did you finance yourself? You know? Yeah. I think the way I financed myself is by acting in films. So there is a public sector in me and there is a private sector which is theater. So that's why you're here, so thank you. See, the commercialization is, I tell you what, very simple it is. If I can make people come and buy tickets for my show, and for that, if I need to be a star, that's the tragedy of theater, not commercialization. Thank you for your honest opinion and experience. The next would be, I see him sometimes just to understand the politics of our country. Vasil, you can take your seat. Amit ji, aap apne liye. Satinder, niche. Mic, please. हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, ये तो आप देख ही रही हैं मेरा शो। और जब से शो ऑनियर हुआ है तो हिंदुस्तान के कोने कोने से, विदेशों से भी लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि वाकई में आपके शो में जो दिखाया जा रहा है, पिछले 70 सालों से हम सब लोग यही महसूस कर रहे हैं। अलग अलग रूप, अगर आप राजनीति में आते हो तो किस शाख पे बैठना चाहेंगे? तो सब लोग अपने अपने साथ चुन लेते हैं, और खास तौर से अगर मैं राजनीति में आता तो वो समय डिसाइड करता है किस साथ में बैठना है, कहां पर फायदा है, कहां पर माल ज्यादा मिलेगा। राजनीति का मेरे हिसाब से यही पहलू जो मैंने मैक्सिमम देखा है, और बाकी तो भारती चली गई अभी, उससे इतना भारी भरकम सवाल पूछ लिया स्वप्निल।
मेरा सिर्फ यही मानना है कि जिस तरीके का ये शो मैंने किया इससे पहले कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज, बहुत दूसरे शोज किए कॉमेडी के, इस तरह की जो बात कर रही थी, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों गिर रहा है, तो मैंने देखा कि समाज के हर तबके में, हर तरफ, हर ओर अगर देखा जाए तो इस तरह गिर रहा है। चाहे अगर आप बहुत सारे वो हर स्तर के गिरते हुए स्तर को मैं वहां से पूछ ही रही हूं, मैं आपके अपने फील्ड के बारे में पूछा जैसे था, मैं बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, जैसे मेरे फील्ड की बात अगर कर रही है तो जब से मैं इस फील्ड में हूं, मुझे जितना मेरे दर्शकों ने देखा, जितने भी रूप में देखा, अलग अलग एक्ट में देखा, शायद मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा होगा। किसी वल्गरिटी में, किसी चीज सर सर, इसलिए आप एनबीसी अवार्ड ले रहे हैं आज। तो थैंक यू सो मच आपके सम्मान का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू स्वप्निल जोशी, अ मैन हु डिडंट से हिज नेम, इज अ बादशाह ऑफ मराठी इंडस्ट्री। Swapnil Joshi is a Marathi actor. He has entertained you for years and contributed to films. Tirelessly. Jitu Satendra. We appreciate your contribution. Satendra. Arey. Arey, dada, niche le tere camera. पीछे आना, हम भी लोग आएंगे क्या आगे? तू ही ज्यादा छेड़ा है क्या? बस बस माइक का ऊपर डर कर रहे बस कर रहे। हेलो माइक एंड आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट स्वप्निल, व्हेन यू बिकम वेरी सीरियस एंड व्हेन यू आर पुटिंग योर थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड समटाइम्स यू मेक पीपल क्राई, यू नो, so did you ever did the same intense drama at home when you came and somebody asked you something like with how easy it is to act in home? Namaskar sagana maharashtra janachane kamgari na samana purush mala swatte ki 2 varsha puri majha mulicha janma zala maharaj आणि तेव्हापासून ड्रामा करण्याची जबाबदारी मी पास ऑन केली। ड्रामा सगळं ती करते, मी सगळ्या दर्शकाचं नाही। मला असं वाटतं की सोपं काहीच नाही, आसान कुछ भी नाही, लेकिन जब आपका काम आपका पॅशन होता है, और हम बहुत खुशकिस्मत लोगों में से है जो हम, मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, अपने आप को हम नहीं कह रहा कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा पैशन हमारा काम बन गया, तो फिर कोई भी चीज आसान तो खैर नहीं होती, लेकिन मजेदार जरूर हो जाती है, आनंददायी जरूर हो जाती है। सो आई थिंक वी आर द लकी फ्यू हु थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, थैंक यू। नाउ हियर इज पद्मश्री कलास्केर, ही डजंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन, बट व्हेनेवर पीपल लाइक मी यूज्ड टू बी इन फ्रस्ट्रेशन, his one song Allah ke bande has inspired me a lot and really gave me strength to struggle. He is Padmashri, he is known for his music and his melody. His contribution to music industry is Satendar. मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना था आपसे कि रियल लाइफ में आपके लिए किसने गाया हीरे मोती मैं ना चाहूं? जी मैं जिंदगी को बड़े अलग ढंग से जीता आया हूं बचपन से, और मैं उत्पत्ति हूं मुसीबतों की, मुश्किलों की। जो लोग मुश्किलों से जन्म लेते हैं वो आसानियों को गढ़ते हैं, और ईश्वर ने हमको इस तरह से बनाया कि आप सबसे कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ पाते आए हैं, और जिन्होंने धिक्कारा भी है, जिन्होंने नकारा भी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो तब जब आप उस तरह से जीने लगते हैं जिसमें आपकी आशाएं ना हो,
तो तब ये विचार आपको स्वतः ही आएंगे कि हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं बस तेरी आराधना मिल जाए तो काम हो जाएगा। मैं आपको अल्लाह के बंदे का एक नजाने नहीं देना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने इसमें अवार्ड में पैसे खर्च किए हैं, इतना तो आपका हक बनता है कि थोड़ा मैं गाऊँ आपके लिए। और जितने भी यहाँ प्यारे लोग हैं, बहुत ही कारगर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, बड़ी मेहनत करके इस रुतबे तक आए हैं कि ऐसे वाले प्यारे फंक्शंस का हिस्सा बने, मैं उनको नमन करता हूँ। और आज के पवित्र दिवस महाराष्ट्र दिवस और जो आज का एक कामगार दिवस है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और एक लाइन मकरंद को भी सुनाता हूँ और आप सबको भी सुनाता हूँ, बल्कि एक नहीं कई सुना देता हूँ अल्लाह के बंदे की ही। नहीं नहीं, हमने कमर्शियल एंगल गाने सुन, एक ही गाना सुनने के लिए। हाँ, एक ही नहीं, एक लाइन नहीं, कई गाता हूँ अल्लाह के बंदे की। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू अल्लाह के बंदे, एंड थैंक यू फॉर दिस सोलफुल सिंगिंग एंड कमिंग हियर कैलाश, लाइक यू इंस्पायर्ड मेनी लाइव्स। थैंक यू, आप सबको बारंबार प्रणाम है। और संदीप 2-3 साल से पीछे पड़े हुए थे इस अवार्ड के लिए, तो आज इस बार ये काम हो भी गया, आपको बधाई है। नाउ नेक्स्ट अवार्ड गोज टू नितीश गोयल, इज शी हियर? क्या फील करते हैं आज के शो में? क्या क्या टेक होता है आपका? देखिए जी, अभी टेक तो हम स्टूडियो में करते हैं और जब डबिंग होती है तब टेक होता है, यहाँ पर तो थोड़ा सा 2 मिनट में टेक कर लिया बस अवार्ड। हाँ, और बस ये खुशी की बात है जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, बड़ों की दुआएं लगती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लगता है, कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलता है। अब अवार्ड सिर्फ इसलिए जो 250-300 रुपये की डंडी बनती है ये नहीं होता अवार्ड, इसके पीछे का भावनाएं होती हैं, इसके पीछे का मान सम्मान होता है। तो ऐसे तो अब इतनी डंडी मिल चुकी हैं, आप लोग सब जानते ही हैं, 12-13 साल के करियर में एक पूरा कमरा भरा पड़ा है डंडियों ही डंडियों से, कुछ तो उखड़ने भी लगी अपने आप, क्योंकि देह धड़ाधड़ रोज छप रही हैं, तो उनकी भी कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी जो है उसकी दिल की है, जो उसके पीछे भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये शबरी के बेर हैं और सुदामा के चावल हैं। अब तो ये हो रहा है क्योंकि छपाई कार्यालय चल रहा है ना अवार्डों का भी, अवार्ड की दुकान पे जाइए आप, एक ही जैसी मोमेंटो हजारों छप रही हैं, तो मुझे कई मिल गई एक जैसी तो अभी वैरायटी भी नहीं है, क्योंकि जल्दी में सब हैं, जल्दी में सबको जाना है और चांद पे पहुंचना है सब, कोई नीचे की अब अंतरिक्ष की यात्रा कोई करना चाह नहीं रहा, सीधा मून पे पहुंचना के भी पार। हाँ, अब तो कैलाश जी काफी स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप, शूज तो माशाल्लाह काफी अच्छे ड्रेसिंग, आप तो मतलब आप तो हमेशा हमको फॉलो करते ही हैं, ये कुदरतन बात है कि हम जो भी पहनते हैं, जो भी हमारा स्टाइल होता है वो शिव से प्रेरित होता है, और शिव जो हैं वो प्रकृति के द्योतक हैं, प्रकृति के देव हैं, और हमारा जो स्टाइल है, हमने देखिए कान में कुंडल पहने हुए हैं और ये कानों में कुंडल के साथ साथ पेड़ पहने हुए हैं, आप जिनको हीरा कहते हैं मैं उनको पेड़ कहता हूँ, ये लाखों वर्ष तक दबा हुआ एक पेड़ है जो इस कद पे हो गया है, इस साइज पर आ गया है, और ये जाना जाता है हीरा, जबकि हीरे तो हम सब हैं, जो भी कर्म का वो होता है उच्च श्रेणी में वही हीरा हो जाता है, तो हीरा से ही हीरो बनते हैं। ये हुआ,
जूतों का कलेक्शन हमारे पास है ही बहुत, कई बार छप चुका है, तो ये भी उसी कलेक्शन से आया। अभी तक हम सुबह से रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी थे, शाम को यहाँ आना था अवार्ड में, तो अचानक हमने ये कुर्ता और ये जैकेट देखा। अरे हाँ यार, नहीं खरीदा नहीं साहब, खरीदा तो खरीद कोई और लेता है, हम तो लेते हैं। अच्छा, एक आप एक सिंगर हैं और एक सिंगर है सोना महापात्रा, जिन्हें सूफी गाने को गाने के लिए मना किया गया है, क्या आप इस तरह के सूफी गानों को मत गाइए? एज ए सिंगर क्या फील करते हैं आप किसी सिंगर को गाने के लिए मना करते हैं? हम नहीं, देखिए जी क्या होता है, इस दुनिया में हर साल हम लोगों ने एक नियम बनाया है पृथ्वी पर जी, कोई ना कोई ऐसा मैसेज ओरिएंटेड वाला गाना ज़रूर रिलीज करना है। इस बार हमने शहीदों पर, सैनिकों पर एक बहुत गजब गाना बनाया, भारत के वीर, और तत्पश्चात विमेंस डे पर नारी शक्ति बोल के एक गाना रिलीज किया है। चारों अरब तरफ उनके चर्चे और धूम चल रही है। धीरे धीरे गायक का कार्य है कोई एक मैसेज भी चलता रहे इंसानियत का, ये मेरा मुझे लगता है कि ये एक पर्पस है, क्योंकि गायक में और कलाकार में जो स्टेज के परफॉर्मर्स होते हैं उनमें ईश्वर का वासा होता है और लोग ऐसे तकते हैं उनकी ओर, अरे क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब आपके फॉलोवर हो जाएं तो आप इंसानियत की बात करिए और गहरी बात करिए, दैवत्व की बात करिए, उस ऐसी बात करिए जिससे थोड़ा अच्छाई फैले इस दुनिया में, क्योंकि पहले से पगलाए तो हैं ही दुनिया में लोग, तो उसको थोड़ा है एक विजुअल देखे जाइए, बहुत अच्छा गेटअप मेरा, लीजिए जल्दी लीजिए, ले लिया होगा? नहीं नहीं, विजुअल अभी तक नहीं लिया, अभी तक ऑडियो पे खेल रहे हैं, अभी तक ऑडियो पे खेल रहे हैं। चलो रोल है, कॉन्ग्रेचुलेशन आज की शाम को लेकर, बेस्ट हम सारी दुनिया में नहीं आए थे, तब से लेकर अभी तक काम कर रहे हो, आपने अपना जो लेवल जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं मराठी इंडस्ट्री में भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपने अभी तक जिस तरह से अपना लेवल मेंटेन करके रखा और आज इस तरह से बेस्ट मराठी एक्टर, क्या फील करते हैं आप? बहुत बहुत आभारी हूँ आफ्टरनून का, न्यूज़ मेकर्स का, इस अवार्ड के पीछे जितने लोग बंधे हैं जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत आभारी हूँ दर्शकों का, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत ये या फिर ऐसा कोई भी अवार्ड हमारे नसीब में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का प्रेम, दर्शकों का प्यार, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, और अगर ये अवार्ड आज हमारे हाथ में है तो उसकी वजह भी दर्शकों का प्यार ही है। ऑल द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, द राइटर्स हु बीन राइटिंग ग्रेट स्टफ फॉर अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक दे आर ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ दिस अवार्ड। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरे मीडिया के सभी दोस्त जो हमेशा हमेशा हमारा काम लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, सो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। काफ़ी डिफरेंट गेटअप में है, तो क्या ये कोई फिल्म है अपकमिंग या? हाँ, रणांगण नाम की एक फिल्म आ रही है, मराठी फिल्म है, 11 मई को रिलीज़ हो रही है, और पहली बार मेरे करियर में विलन प्ले कर रहा हूँ, तो उससे जुड़ा हुआ ये गेटअप है, तो 11 मई को पिक्चर देखिएगा और बताइएगा कि ये जो कोशिश मैंने की है वो आपको कितनी भाती है। ये जो पहली बार आप विलन कर रहे हैं ये कैसा रहा, क्योंकि विलन में हमने आपको नहीं देखा? अब मैंने भी नहीं देखा आपने आपको, मैं भी बहुत कैसी कर रहा हूँ कि कैसा रहा, लेकिन अब मेरा जो करना था, कहना था, वो हो गया, वो कैद हो गया, कैमरे में बंद हो गया और फिल्म बन गई उसकी। अब 11 मई से आप देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगता। मेरे लिए बहुत मज़ेदार था, बहुत आनंददायी था, क्योंकि एक एक्टर के लिए आप जो नहीं हैं या आपने जो कभी नहीं किया है वो करने जैसा दूसरा कोई एक्साइटमेंट या दूसरी कोई किक नहीं है। सो वेरी वेरी एक्साइटेड, आई विश कि लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।